क्लाइमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पार्षद साहिल गुप्ता ने नगर पालिका बिश्नाहा टीम के साथ अपने वार्ड नंबर 7 व 11 लाख रुपए की लागत वाली लेन नाली परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यकारिणी पदाधिकारी मैडम रंगीता शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रेम शर्मा, अध्यक्ष राजन शर्मा, उपाध्यक्ष रोमेश लाल, पूर्व उपाध्यक्ष जय भारत सहित पार्षद साहिल गुप्ता ने कार्य प्रारंभ किया। भाजपा वरिष्ठ नेता प्रेम शर्मा ने पार्षद साहिल गुप्ता के वार्ड में किए गए कार्यों की सराहना की। ईओ रंगीता शर्मा व अध्यक्ष राजन शर्मा ने साहिल गुप्ता के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 7 में टाइल का काम पूरा हो गया है और पूरे बिश्नाहा वार्ड 1 से 13 में यह पहला वार्ड है जो पूरी तरह से विकसित है। साहिल ने एमसी बिश्नाहा को बताया कि उनके वार्ड के लिए 11 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और टाइलें लगाने और जंगल लगाने का काम शुरू किया गया है। गुप्ता ने एमसी बिश्नाहा प्रशासन को धन्यवाद दिया और अपने वार्ड की जनता को काम के लिए बधाई दी। मौके पर गणमान्य नागरिक विजय कुमार, रतन लाल, तुषार दीगरा, अरुण शर्मा, पवन शर्मा, नेहा मेहरा सहित अन्य मौजूद रहे। साथ में जो हमारे कारपोरेटर साहिल गुप्ता जी, बाद में लेन और ड्रेन का काम चल रहा, जिसी को ड्रेनेज के लिए उन्होंने जंगले वगैरह रखे हुए थे, तो वो जो उन्होंने काम आज शुभारंभ किया है। तो हमारे साथ हमारे म्यूनसिपैलिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू मैडम जी, गीता शर्मा जी, हमारे वाइस चेयरमैन रमेश जी और हमारे सोशल वर्कर प्रेम जी और हमारे वार्ड नंबर 13 के जय भारती जी, आज सभी ने हमारे साथियों ने मिलकर इस काम का शुभारंभ किया है और हम सभी वार्ड नंबर 7 के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी जो वार्ड है वो अब कंप्लीट होने पे जा रही है। जो भी उनके लेन ड्रेन के काम थे सभी आज वो उनके पूरे हो चुके हैं। तो हम साहिल गुप्ता जी को और उनके पूरे साथियों को हम ये मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने अपने काम का जो वार्ड के काम थे वो सभी कम्प्लीट करने पर जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ एनजीओ एंटी क्राइम, जो हमारे श्याम गुप्ता जी हैं, उनके सपुत्र जो साहिल गुप्ता जी, जो वार्ड नंबर 7 में और बिश्नाहा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी जो वार्ड का जो काम है कंप्लीट करवाया, जंगले डलवाए, लाइटें लगवाई और हर गली को पक्का करवाया। तो ऐसे जो कारपोरेटर हैं, ऐसे जो मेहनती लोग हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे चेयरमैन राजन शर्मा जी का, जिन्होंने सभी वार्ड मेंबरों को एक साथ लेकर सबके साथ डेवलपमेंट के काम कराए। हमारी जो नई मैम संगीता शर्मा जी आई हैं, बहुत ही तेज तरार और बिश्नाहा के हर कोने में साफ सफाई करवा रही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे वाइस चेयरमैन रमेश जी का और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रेम शर्मा जी, जिन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी में लाया और इस काबिल बनाया कि हम लोगों का काम कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हो, कुछ दिन पहले मैंने अपने वार्ड में एक प्रोग्राम रखा, जनता की आवाज़ सुनी, उसमें जो समस्या थी वो सुनी, जनता से हमने राय मांगी कि अब वार्ड में गलियां बन चुकी है, मुझे फंड्स आया है, मुझे सुझाव दो कि मैं अपनी वार्ड में क्या काम करूं, क्या बेहतर करूं। तो मुझे ये डिमांड रखी गई कि वार्ड नंबर 7 में नाली गलियां तो बन गई हैं, लेकिन उसके ऊपर अब जंगला भी डाला जाए जिसमें नालियों में गंदना पड़े और सफाई हो जाएगी। तो उसी फंड को देखते हुए आज हमने ये प्लान में रखाया, तो उसका टेंडर हुआ, पूरे प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। जब से मैम संगीता जी बिश्नाहा म्यूनसिपैलिटी में ऑफिसर आए हैं, तब से पूरे बिश्नाहा चारों ओर डेवलपमेंट हो रही है। हम धन्यवाद करते हैं मैडम यो का और वाइस चेयरमैन रमेश लाल जी का और जय भारती जी का, जिन्होंने हमें सपोर्ट की, प्रेम शर्मा जी और फानेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास, काम करा के जीतेंगे, सबका विश्वास, उसी को देखते हुए आज हम काम कर रहे हैं और बिश्नाहा वार्ड नंबर 7 की डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 7 के सभी नागरिकों को, माता बहनों को जिन्होंने मुझे वोट देके जिताया, छोटे बड़े भाइयों ने, आज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज वार्ड नंबर 7 का काम जो है वो कम्प्लीट होने जा रहा है। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद।